हेलो स्टूडेंट्स, टुडे बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद सम काइंड ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो हम कुछ एंगल्स की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ये वाले जो एंगल्स हैं वो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के कट होने से बनेंगे। देखिए, जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे को बिल्कुल कट नहीं करती, और उन्हें एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करें। ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग टू गिवन पैरेलल लाइन। अब इन दो पैरेलल लाइन के साथ ये ट्रांसवर्सल किस टाइप के एंगल्स बनाएगी, उन एंगल्स के बारे में इफ यू आर अवेयर देन ओनली यू कैन डू दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट वन कैटेगरी इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये बिल्कुल सीजर शेप में, क्रॉस शेप में बनेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक एंगल होगा और बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ एक एंगल। ये वाले दो भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम वे अगर ये वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है तो आपका ये एंगल यहाँ होगा, या ये वाले दो, तो इनको हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कमिंग अपॉन द सेकेंड कैटेगरी, अगेन देयर विल बी ट्रांसवर्सल लाइंस एंड विथ टू पैरेलल लाइंस। ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखिए, अगर ये वाला एंगल इस लाइन के इधर ऊपर बन रहा है ना, तो सेकेंड एंगल भी इस लाइन के ऐसे ऊपर ही बनेगा। अगर यहाँ नीचे होता तो ये वाला एंगल भी नीचे होना था। ठीक है, सेम वे अगर ये एंगल इस साइड है तो ये भी इस साइड, अगर नीचे वाली साइड है तो ये भी। तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड द मेजरमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज ऑलवेज इक्वल। कमिंग अपॉन द थर्ड कैटेगरी, ये देखिए, को इंटीरियर एंगल के बारे में आपको बताएंगे। ये बिल्कुल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर बनते हैं, ऐसे और ये वाला। इन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। और इन को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है ना, जैसे सपोज करो ये ए एंगल है और ये बी है, को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, लेकिन इनका सम जो है दैट इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए फोर्थ पार्ट, ये देखिए, फिर से पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल। अब नेक्स्ट कैटेगरी आपको बताएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये रेसिप्रोकल साइड बनते हैं। अगर ये इधर है तो ये वाला भी इस साइड, एक उस साइड और एक इस साइड। अगर ये वाला एंगल यहाँ बनता तो ये एंगल इस साइड होना था। ठीक है, अब ये चार कैटेगरीज हो गई हैं आपकी। नाउ कमिंग अपॉन द फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो सिंपल है, एक लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर जितने भी आपके एंगल्स बनेंगे लाइक दिस, सपोज करो ये तीन एंगल बन गए, एक ये वाला एंगल, दो तीन चार एंगल बन गए ना, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे ये सब क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं। और लीनियर पेयर जो होते हैं उनका सम कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। अब देखिए क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 6.1 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको दिया हुआ। इसमें क्या है, देखिए ए बी एक लाइन है ना, ये सी डी भी एक लाइन है, ये बाकी एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के एंगल्स हैं। अब व्हाट इज गिवन टू यू, सबसे पहले वही देखते हैं। ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70। ए ओ सी मतलब कि ये वाला एंगल, और बी ओ ई मतलब कि ये वाला एंगल। ये दो एंगल जो हैं वो 70 डिग्री के हैं। ठीक है, तो आप सी ओ ई फाइंड कर सकते हो कैसे। अब देखिए ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जी ये वाले जो एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये तीन एंगल बन रहे हैं, एक ए ओ सी बन रहा है, एक बन रहा है सी ओ ई, एंड द थर्ड वन इज ई ओ बी। ये जो है 180 होंगे। 180 क्यों होंगे? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब ए ओ सी एंड बी ओ ई की जगह पर मैं 70 लिख दूंगी, इनकी दोनों की जगह पर 70। सी ओ ई आपका बच गया, दिस इज 180। यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी ओ ई। ये क्या होगी, 180 प्लस 70 है, इधर आके -70, ये हमारी हो गई 110। लेकिन आपको देखिए सी ओ ई एंगल नहीं चाहिए, आपको चाहिए रिफ्लेक्स। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने का एक ही मेथड है, उसको आप 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए। 360 डिग्री माइनस 110, 0 - 0 = 0, 6 - 1 दिस इज 5, 3 - 1 दिस इज 2। अब रिफ्लेक्स एंगल क्योंकि 360 डिग्री से मतलब 180 से 360 के बीच में लाए करते हैं,
तो वेन एवर यू हैव टू फाइंड एनी रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एनी एंगल यू विल सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 360. अब देखिए ये वाला जो एंगल है ना बीओडी ये आपको 40 डिग्री दे रखा है. अब देखिए ये वाला एंगल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्रॉस शेप में, ये भी 40 हो गया. जितना एंगल बीओडी है, जितना एंगल आपका बीओडी होगा उतना ही एओसी होगा. इसका रीजन क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. इट मींस आपका एओसी भी कितना आ गया आपका 40 डिग्री. अब देखिए इक्वेशन वन में क्या गिवन था, एओसी प्लस BOE 70 आपको गिवन था. यहां पर आप AOC की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल 70. सो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ BOE एज 30 डिग्री. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.